हेलो गाइस, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है द वायरल सीक्रेट हिंदी, और मैं बन चुका हूँ सस्ता सैनोस। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे आज ही का दिन है, आज 14 फरवरी है और सबको मतलब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्यों मना रहे हैं। तो बहुत समय की पहले की बात है, आपको ईस्वी और इससे मैं उतना डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि उसमें टाइम भी जाएगा। आपको मतलब मेन पॉइंट पे या फिर कहानी पे लेके जाता हूँ। तो ये रोम की बात है, वहाँ एक पादरी थे जिनका नाम मतलब टाइटल वैलेंटाइन था। वो एक पादरी थे पेशे से, तो वो मतलब एक बारी मतलब भारत आए थे, या फिर उनको मतलब भारत के बारे में पता चला था कि जो भारत में लोग जो हैं वो एक बारी शादी करते हैं और वो मतलब ज़िंदगी भर उसी जीवन साथी से ज़िंदगी भर रहते हैं। मतलब कि नो मतलब कि तलाक का मतलब कुछ ये हमारे मतलब हिंदू धर्म में तो वैसे भी है नहीं, तो मतलब जीवन भर साथ निभाते हैं पूरे निष्ठा और मतलब पूरे ईमानदारी से। तो ये उनको पता चला, तो वो क्या कराते थे ना, पहले यूरोप में ऐसा होता था, पहले क्या अब भी होता है कि मतलब बिना विवाह के वो मतलब समलैंगिक संबंध ऐसा बनाते थे, इन रिलेशन मतलब लिव इन रिलेशनशिप रहते थे। फिर मतलब मन भर जाता था तो फिर मतलब स्त्रियों को मतलब कपड़ों की तरह बदल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वाले जब वैलेंटाइन डे को ऐसा पता चला कि भारत में ऐसा होता है, तो उन्होंने ये करा कि जो नौजवान लड़का लड़की थे उनको वो मतलब आपस में जिनको मतलब जो मतलब आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं उनको पहले कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करो, उसके बाद मतलब तुम लोग घर गृहस्थी बसाओ, उसके बाद तुम मतलब अपने मतलब रिलेशनशिप में बंधो। तो ऐसा मतलब वो मतलब कराते थे, पादरी थे तो मतलब कराते थे। तो वहाँ का एक राजा था और वो मतलब बड़ा ही आयाश राजा था, तो उसको मतलब ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि जितने भी नौजवान होते हैं ना वो मतलब वो कामुक होते हैं बहुत, कभी यहाँ मुँह मारना कभी वहाँ मुँह मारना, तो वैसा मतलब समझ रहे हो। तो मतलब उसको मतलब थोड़ा बंदिश ही लगी कि नहीं ये तो मतलब अपना काम बिगाड़ रहा है, इसी के चलते तो मतलब जितने नौजवान हैं मेरी गुलामी करते हैं औरत की वजह से, तो ऐसा ये कराएगा तो मेरा तो मतलब भांडा टाइट फिस हो जाएगा। तो उसको आया बहुत जोर से गुस्सा और उसने जो है वैलेंटाइन डे को मतलब क्या बोलते हैं बीच चौराहे पे ऐसे फांसी करा दी। तो अब जितने भी वैलेंटाइन डे के चाहने वाले थे वो भड़क उठे कि मतलब इतना अच्छा व्यक्ति था जो हमें मतलब सतमार्ग पे चलना सिखा रहा था और अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा था, जो हमें मतलब एक बंधन पे बनने को मतलब कह रहा था, उसको इसने मार दिया। तो बाद में पब्लिक ने उस राजा को भी छोड़ा नहीं। खैर, तो तब से जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है उसकी याद में, जो वैलेंटाइन डे थे उसकी याद में मनाया जाता है। तो खैर, तो मतलब वैलेंटाइन डे का ये था कि वैलेंटाइन का ये था कि वो क्या करते थे ना, जो मतलब आपस में जो सच में सच्चे मन से एक रिश्ते में जुड़ना चाहते थे और क्या बोलते हैं सच में मतलब एक दूसरे का साथ निभाना चाहते थे, उनकी वो शादी कराता था। तो आज के हमारे भारत के वो नौजवान लोग क्या कर रहे हैं, जो निब्बा निब्बी वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ही बताओ। 2 महीने इसके साथ रहेंगे, उसको आई लव यू बोलेंगे, फिर 2 महीने बाद उसको बोले नहीं रे वो तो झूठी थी, ये सच्ची लग रही है मेरे को, अब ये मेरी वैलेंटाइन है, अब इसको वैलेंटाइन मनाएंगे। फिर अगले साल फिर 2024 में फिर कोई अलग हो जाएगी, फिर 2024 के 6 महीने बाद फिर कोई अलग हो जाएगी, तो ये गलत है। और सुनो ना, मैं आपसे यही सिंपली यही बात कहना चाहता हूँ कि ये यूरोप की बात है तो यूरोप पे ही छोड़ दो, ठीक है, इधर भारत लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर है, आज तुलसी पूजा था तो आज तुलसी पूजा मनाओ, है ना। आज भगत सिंह का ये ब्लैक डे था, आज ही के दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तो क्यों मनाते हो, क्यों मनाते हो वैलेंटाइन डे, शोक मनाओ। तो गाइज, मैं भावुक हो गया हूँ। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आजकल के नौजवानों को पता चले कि मतलब मेरे जैसे भी लौंडे हैं। तो गाइज, जोक सपाट। तो गाइज, जितना हो सके यार उतना मेरे को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम हनुमान।